बता दें कि बिग बॉस ओटीटी को शुरू हुए अभी एक ही हफ्ता हुआ है और पहले हफ्ते में ही शो ने सुर्खियां बटोरना शुरू कर दिया है। जी हां, बता दें कि शो के पहले वीकेंड का वार सलमान खान ने होस्ट किया जो कि काफी मजेदार था, लेकिन जहां कंटेस्टेंट और दर्शकों का मनोरंजन हुआ तो वही इलेमिनेशन भी हुआ, जहां अब शो में पुनीत सुपरस्टार के बाद पलक पुरस्वानी कम वोटों के कारण घर से बाहर हो गई हैं। हालांकि सलमान इलेमिनेशन से पहले कंटेस्टेंट को डराने के लिए और दर्शकों में थोड़ा बस क्रिएट करने के लिए किसी और का नाम लेते हैं। बता दें कि ऐसे ही सलमान खान ने पलक से पहले बेबी का ध्रुवे का नाम लिया था और कहा था कि कल उनका जन्मदिन है तो हो सकता है वे कल अपने दोस्तों के साथ इसे सेलिब्रेट करेंगी क्योंकि वे घर से बाहर हो सकती हैं। वहीं इसी बीच सलमान खान ने आकांक्षा पुरी को घर में उनके व्यवहार को लेकर भी खूब डांट लगाई थी और फिर जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ा सलमान ने कन्फर्म किया कि ये पलक है जो इस हफ्ते कम वोट मिलने की वजह से इलेमिनेट हो रही हैं, जिसके बाद इलेमिनेशन की बात सुनकर पलक इमोशनल हो जाती हैं और वो इस शो में आने के लिए और इतना बड़ा मौका देने के लिए बिग बॉस को थैंक यू कहती हैं और फिर वो सभी को अलविदा कहती हैं। तो वहीं पलक के शो छोड़ते ही उनकी दोस्त जिया शंकर और आकांक्षा पुरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इस हफ्ते बेबी का ध्रुवे अविनाश सचदेव, जिया शंकर और पलक पुरस्वानी इलेमिनेशन के लिए नॉमिनेट हुए थे, जिसमें से पलक बाहर हो गई हैं। इसके अलावा आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस बार बिग बॉस ओटीटी को आप वूट पर भी बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं और इसी के साथ आप इसे हर रात 9 बजे जियो सिनेमा पर भी देख सकते हैं। वहीं शो का पहला हफ्ता देखकर तो यही लगता है कि इस बार शो कुछ कमाल जरूर करके दिखाएगा और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इसे सलमान खान होस्ट कर रहे हैं, ऐसे में शो के हिट होने की उम्मीद काफी ज्यादा मानी जा रही है। हमारे इस वीडियो पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं, साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आज ही INN डिजिटल मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें।